साल से नवरात्रि का पावन त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पावन मौके पर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पाठ होती है। नवरात्रि के शुभ दिनों में भक्त लोग मंदिरों में सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। इसी श्रृंखला में शहर के आज्ञाराम देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा था। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के पावन पर्व का आज से जो है शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि जो है 9 दिन जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। नागपुर शहर में जो है आज्ञाराम देवी मंदिर, ये बहुत ही प्राचीन कालीन मंदिर है और प्रसिद्ध ऐसी ये मंदिर है और यहाँ जो है भाविक भक्त हमेशा ही दर्शन के लिए, देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन में कुछ खास ऐसे यहाँ पे आयोजन होते हैं और साथ ही साथ अखंड जो मनोकामना ज्योत भी यहाँ जलाई जाती है और इसके ही लिए जो है भाविक माता के दर्शन के लिए जो है भाविक यहाँ आते हैं और यहाँ आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति भी होती है, ऐसे भाविकों का मानना है। तो चलिए अंदर और देखते हैं कि आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है, भाविकों की भीड़ है, उनसे भी बातचीत करते हैं। चलिए मेरे साथ। नगर देवी के रूप में विख्यात माँ आज्ञाराम देवी रघुजी राजे भोसले की कुल देवी थी। भोसले राजा हर पर्व पर गणेश पेट स्थित आज्ञाराम देवी के दरबार में आते थे। माँ के दर्शन कर और उनका आशीर्वाद लेकर ही राजा भोसले लड़ाई के लिए रणभूमि में जाते थे। गणेश पेट स्थित आज्ञाराम देवी मंदिर करीब 300 साल से प्राचीन माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कल रविवार से हुई। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी थी। इस दौरान हमने बातचीत की है यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से। हमारे साथ यहाँ भक्त है, नवरात्रि का पहला दिन है, आप आज्ञाराम देवी मंदिर आए हो, क्या बताओगे, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन रामदास मुंशे है, मैं नागपुर से संजय गांधी नगर से आई हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, बहुत सारी गर्दी है और बहुत साल से ये मंदिर पुराना है। मंदिर हम हर साल यहाँ पर दूध दुलाने आते हैं। मैं नागपुर से आई, नवी शुक्रवार में रहती हूँ मैं। मंदिर बहुत पुराना है ये और नजीक है मेरा, तो मैं रोज आती है दर्शन करने के लिए। नवरात्र है और ऐसे भी मैं रोज आती, गार्डन में घूमने आती मैं, तो रोज यहाँ दर्शन करने आती। बहुत अच्छी माता है ये, शांति मिलती है यहाँ। मुझे माझा नाम आरती राजेश मदान है, मला ये मंदिर खूब आवडतं। मला देवीच्या मंदिरात यायला खूपच आवडतं आणि हे मंदिर खूप प्रचंड आहे म्हणून मला इकडे यायला खूप आवडतं। मेरा नाम लावण्य है, मैं नागपुर से ही आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आप जैसे नागपुर में आते हो तो आज्ञाराम की देवी में जरूर आना, ये देवी का मंदिर बहुत फेमस है और हमारे घर की जोत भी यहाँ पे भी है। हमने देखा कि भक्त जो है, ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पूजा अर्चना करते करने भक्त जो आते हैं हर साल आते हैं या कोई हर रोज आने वाले भक्त भी यहाँ है। लेकिन अभी नवरात्र की खास दिन शुरू है और इसे देखते हुए आज जो है भारी भीड़ हमें दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, महिलाओं की भारी भीड़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। आज आप आज्ञाराम देवी मंदिर आए हो, कैसा लग रहा है नवरात्रि का पहला? अच्छा लग रहा है, आज गर्दी नहीं है, एकदम अच्छे से दर्शन होते हमारे, अच्छा लग रहा है। पहला दिन है नवरात्रि का और आज अच्छा लग रहा है, गर्दी भी नहीं है और अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, खूब छान दर्शन झाला। पहला दिवस आणि खूब छान दर्शन झाला मातेचं, बहुत अच्छा लगा। पहला दिन था यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है लेकिन आज पहला दिन है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हर साल हमारे यहाँ पे आते हैं। मेरा नाम अशोक हरिभाव जोशी और हमारे चार पीढ़ी से हमारे यहाँ ये यहाँ की पूजा है और मेरे दादाजी पिताजी उसके बाद में हम और अभी हमारे लड़के भी रहते, तो कम से कम 150-200 साल से हम यहाँ से पुजारी हैं। पहले कुछ भी नहीं था, अभी ये मंदिर सब बड़ा बन गया है। अभी ट्रस्टी वगैरह है, पीछे में वो अखंड ज्योत वगैरह जलाते हैं वो ट्रस्टी। हमारे मंदिर का जो ओरिजिनल घट है, ये घट हम यहाँ पे बिठाते हैं, ज्योत यहाँ पे जलाते हैं सवेरे से, और बाद में सब यहाँ पे पूजा अर्चना सब हम अंदर करते हैं। सवेरे 4 बजे मंदिर खुलता है
सवेरे माँ की आरती वगैरह सब होती है। पहले दिन माँ का सब श्रृंगार वस्त्र पहनाना वगैरह पहले दिन होता है, बाद में एकदम नौवे दिन में वो वस्त्र वगैरह पहनाते हैं, बाद में नौ दिन ये नहीं रहता। और बाद में दसरे से फिर जिन लोगों ने दी हुई जो साड़ियाँ वगैरह है बड़ी अच्छी, वो सब मंदिर को रोज पहनाई जाती है। बाकी मंदिर में सवेरे चार बजे मंदिर खुलता है, पाँच बजे वगैरह मंदिर में आरती होंगी होती सवेरे की। रात की आरती मैं करता हूँ, रात को 10:30 बजे आरती होती है, 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। हाँ बहुत भीड़ तो बहुत ही रहती है, आज पहला दिन है, आज कोई ज़्यादा भीड़ है नहीं, क्योंकि लोगों की यहाँ भी पूजा घटना वगैरह रहती है। अब एक दो दिन के बाद में भीड़ चालू हो जाएंगी यहाँ पे मंदिर। और ये मंदिर जो है ये पुराना रघुजी राजा भोसले के हाथ का मंदिर है, ये तब से हमारे तरफ यहाँ की पूजा है तब से। बाकी ये ट्रस्टी लोग हैं, इन्होंने भी पुजारी करके हमको ही रखा है, दूसरे लाया नहीं उन्होंने। बाकी का सब बाहर का आप देख रहे हो, डेकोरेशन वगैरह सब वही करते हैं हम। मंदिर की पूजा यहाँ का जो कुछ भी अंदर में जो है वो सब हमारे तरफ, वो सब हम करते हैं। आज्ञाराम देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद आष्टीकर से नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी दी है, साथ ही साथ अखंड मनोकामना ज्योत के बारे में जानकारी दी है। साथ आगराम देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन किस तरह से आयोजन किया गया है। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, लोगों का जो है भक्तों का तांता लगा रहता है हर दिन, किस तरह से नवरात्रि के 9 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगराम देवी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 350 साल। ये मंदिर के स्थापना की रघुजी राजे भोसले जी की स्थापना की है, 350 साल पुरानी। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ विनोद आष्टीकर। हम लोग हर साल नवरात्र उत्सव जोर से मनाते हैं, और हम जो हमारे जो भाविक आते हैं उनका उनकी सुविधा के लिए हर समय उनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ भजन होता है, संगीत होता है, सब कार्यक्रम हम व्यवस्थित करते हैं, और 26 तारीख को महाप्रसाद है। ज्योति भी यहाँ जलाई जाती है, इस साल कितनी ज्योति यहाँ जलाई जा रही है, और क्या बताओगे, क्या संदेश देना चाहोगे नवरात्रि का? इस साल हमने 3000 का एक तय किया था, और 3000 ज्योत हमारे यहाँ हो गई है, और 3000 ज्योत के ऊपर भी लोग आ रहे हैं, लेकिन हमने 3000 के ऊपर लेना बंद कर दिया है। उसका आप जाके देख लीजिए, ज्योत का हमने बड़े नियोजन से सब तरीके से अच्छा काम किया है। तो हमने देखा कि हर साल की तरह इस साल भी जो है मंदिर ट्रस्ट की ओर से नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी है, और आज से नवरात्रि का जो है पर्व शुरू हो चुका है, जश्न मनाया जा रहा है नवरात्रि का। और आज हम देख पा रहे हैं कि पहले दिन मंदिर में भीड़ है, उसी तरह ये पूरा फूलों से जो है यहाँ पर सजाया गया है, इसके साथ ही मंदिर को भी विद्युत रोशनी की गई। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मंदिर में देवी की घट स्थापना कर पूजा जो है यहाँ की जा रही है, और लाखों भाविक भक्त नवरात्र के उपलक्ष्य पर यहाँ दर्शन लेने आते हैं, और तांता जो है भक्तों का भारी लगा रहता है। और आज जो है हमने देखा कि कई भक्त यहाँ जो है आए हैं, और उन्होंने पहले दिन जो है देवी के दर्शन कर अपने आप को बहुत ही प्रसन्न और ये प्राप्त किया है, उत्साह के साथ उन्होंने दर्शन लिया है, ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, 20 से न्यूज नागपुर।